क्रिसमस चीज मत करो, बिल्कुल नहीं मना करते। राहुल गांधी, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, रंधावा जी, काजी निजामुद्दीन जी, कांग्रेस पार्टी पलन श्री शीशराम जी ओला, पलन श्री शीशराम जी ओला, धन्यवाद। मैं हमारी आदरणीय कांग्रेस महासचिव का स्वागत हमारे परिवहन मंत्री श्रीमान विजेंद्र सिंह जी ओला करेंगे। स्वागत कर दे फिर जाना ढकता है। जोरदार तालियां। परिवहन मंत्री विजेंद्र सिंह जी ओला प्रियंका जी को माल्यार्पण कर रहे हैं। जोरदार तालियां। प्रियंका गांधी राहुल गांधी सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, रंधावा जी। अब मैं चुंदड़ी के रूप में डॉक्टर राजबाला जी ओला, हमारी पूर्व जिला प्रमुख और लोकसभा उम्मीदवार रही, जोरदार तालियां। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, कांग्रेस आई। पहले अच्छा एक मोमेंट मैं दूंगा जिला अध्यक्ष प्रियंका गांधी को, हवा महल जयपुर का भी बोलो। एक बार गहलोत जी के दे रहे हैं। बोल सामने दे। मुझे आपको बताते हुए हर्ष है कि आज हमारी राष्ट्रीय नेता के समक्ष हमारे कुछ कांग्रेस के भाई जो हमसे बिछुड़ गए थे, कुछ नए लोग हैं, वो पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। आज बहुत खुशी का विषय है कि प्रियंका गांधी जी यहाँ पधारी हैं और उनकी पधारने पर कांग्रेस पार्टी में श्रद्धा व्यक्त करते हुए हमारे बीच में इस प्रदेश में अपनी राजनीतिक भूमिका निभाते हुए कई प्रमुख लोग जो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, जिसमें एक बड़ा नाम श्रीमती ममता शर्मा जी जो बूंदी से विधायक रही हैं, पार्लियामेंट्री सचिव रही हैं और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा भी रही हैं। तो प्रियंका गांधी जी से, मैं आदरणीय प्रियंका गांधी जी से निवेदन करूंगा कि कांग्रेस ज्वाइन करवाएं माननीय ममता शर्मा जी को। श्रीमती शोभा रानी कुशवाहा जी जो विधायक हैं धौलपुर से, आपका कांग्रेस में हार्दिक स्वागत है आदरणीय प्रियंका गांधी जी के हाथों, आपको कांग्रेस ज्वाइन कराई जा रही है। बहुत ही कर्मठ और युवा साथी डॉक्टर विकास चौधरी जी जो किशनगढ़ से आते हैं, बहुत पॉपुलर हैं और आज कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। आदरणीय प्रियंका गांधी जी आपको भी कांग्रेस ज्वाइन करा रही हैं। हमारे भाई सिमरत शर्मा जी जो सचिव भी रहे हैं पीसीसी के, आपको भी हमारी प्रिय नेता प्रियंका गांधी जी कांग्रेस में शामिल कर रही हैं। सिमरत शर्मा जी, मैं निवेदन करूंगा
आदरणीय विजेंदर ओला जी से आप मंच पर आए। विजेंदर ओला जी मंच पर आए और अपना स्वागत भाषण पेश करें। हमारे राष्ट्रीय महासचिव सम्माननीय प्रियंका गांधी वाड्रा जी, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक जी गहलोत साहब, हमारे प्रभारी सम्माननीय सुखजिंदर सिंह जी रंधावा साहब, हमारे पीसीसी अध्यक्ष सम्माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, सम्माननीय सचिन पायलट जी, बहुत सारे विधायक मंच पर बैठे हैं, वो सब लोग जिले के कोने कोने से किसान मजदूर ओबीसी महिला पुरुष अल्पसंख्यक जितने भी सज्जन आप यहाँ पधारे हैं, आप सबको राम राम नमस्कार, बहुत बहुत आपका अभिवादन है। मंच पर जितने भी अन्य जनप्रतिनिधि बैठे हैं उन सबका भी मैं अभिवादन करता हूँ। अंत में माननीय मंच, आप आदरणीय प्रियंका जी ने और हमारे सभी नेताओं ने आपके प्रिय नेता रहे श्री सीसराम जी ओला की मूर्ति का अनावरण किया है, ये हमारे लिए बहुत संतोष की बात है। सीसराम जी ओला 8 बार विधायक रहे, 5 बार सांसद रहे और राजस्थान और दिल्ली में कई बार मंत्री रहे। उन्होंने 3 विद्यालय से इस संस्था की शुरुआत की थी, 3 बालिकाओं से, और पंडित जी का जो एक ध्येय था जवाहरलाल जी का कि एक बालक अगर पढ़ता है तो एक परिवार एक सदस्य पढ़ता है, और एक महिला अगर शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। उसी को ध्यान में रखते हुए और जवाहरलाल जी की प्रेरणा से, इंदिरा जी की अनुमति से इस संस्था का नाम इंदिरा गांधी बालिका निकेतन रखा गया। यहाँ 58 साल पहले जो इस बाई तरफ ये भवन दिख रहा है, इसका उद्घाटन करने के लिए आदरणीय इंदिरा जी आई थी, उसमें वो सूचना और प्रसारण मंत्री थी। उसके बाद कई बार जिले में आई, उसके बाद राजीव जी यहाँ प्रधानमंत्री के रूप में आए, आदरणीय सोनिया जी यहाँ प्रधान अध्यक्ष के रूप में आई, 2-3 बार आई चुनाव में प्रचार में, दूसरे जगह भी हमारे क्षेत्र में प्रचार किया, और आज जहाँ से इस मंच पर हम बैठे हैं कांग्रेस और के नेतृत्व की और हमारे गांधी परिवार की 4th सदस्य आपको संबोधित करेंगे। प्रियंका जी ने एक संघर्ष का बेड़ा उठा रखा है, और वो चाहे यूपी हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे तेलंगाना हो, बहुत मनोयोग से इसमें लगे हुए हैं कि किस तरह से हम वहां हमारी कांग्रेस को मजबूती प्रदान करें और कांग्रेस को वापस सत्ता में लाएं। उसी तरीके के तहत प्रियंका जी राजस्थान में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं, और आप यहाँ भी आपके आपसे अपील करने के लिए, आपसे समर्थन मांगने के लिए यहाँ हाजिर हुई हैं। प्रियंका जी, ये वो इलाका है जहाँ किसान बहुतायत में रहते हैं, सैनिक बहुतायत में रहते हैं, जहाँ ओबीसी के लोग बहुत हैं और हमारे SC ST के भाई हैं, अल्पसंख्यक भाई हैं। इन लोगों में आपके प्रति बहुत आस्था है, गांधी परिवार के प्रति बहुत आस्था है और कांग्रेस के प्रति बहुत आस्था है। पिछले चुनाव में भी शेखावाटी हमारा जो रीजन है, इसने कांग्रेस को अच्छा समर्थन दिया था, और अब हम मान के चलते हैं कि जो विशाल जनसमूह यहाँ है आपको सुनने के लिए आया है, आपसे दिशा निर्देश लेने के आया है, ये निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करेंगे और आपके आदेश को मानेंगे, आपके अनुरोध को मानेंगे। भाइयों, एक ऐसी व्यवस्था दिल्ली में है जो न किसान के हितैषी है, न सैनिक के हितैषी है, न अल्पसंख्यक के हितैषी है, न SC ST के हितैषी है और न ओबीसी के हितैषी है। उनसे कोई मुस्तैदी से लड़ रहा है
तो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है आदरणीय खड़गे जी के नेतृत्व में, आदरणीय सोनिया जी के नेतृत्व में और आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में और आदरणीय सोनिया आदरणीय प्रियंका जी के नेतृत्व में हम संघर्ष कर रहे हैं। मैं आप लोगों से आह्वान करूंगा कि आप यहां से ये संकल्प लेके जाएं कि हम प्रियंका जी के संदेश को घर घर पहुंचाएंगे और वो जो हमको जो भी आदेश देंगे उसकी हम अक्सर से पालना करेंगे। आप बहुत बड़ी संख्या में यहां आए, मैं केवल आदरणीय ओला साहब को आपने अपनी श्रद्धांजलि दी बल्कि प्रियंका जी और हमारी कांग्रेस पार्टी के प्रति जो आपने समर्थन जाहिर किया है मैं हृदय से आपका आभारी हूं, आपके सामने नतमस्तक हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब आपको सम्माननीय सचिन पायलट साहब संबोधित करेंगे। हम सबके नेता आदरणीय प्रियंका जी, हमारे मुख्यमंत्री परम सम्मान्य अशोक गहलोत साहब, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी, रंधावा साहब और आज के कार्यक्रम के सूत्रधार आदरणीय ओला साहब, हमारे प्रभारी काजी साहब, अमिता जी, राठौर साहब, जिले के तमाम विधायकगण, नितिन सिंह जी, चंदेलिया जी, राजकुमार जी, रीटा जी, मंच पर उपस्थित सभी मंत्रीगण, पार्टी के पदाधिकारीगण और इस भव्य कार्यक्रम में मौजूद सभी किसान भाइयों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, आदरणीय बुजुर्गों, मैं इस मौके पर सबसे पहले एक बार पुनः प्रियंका गांधी जी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं। झुंझुनू की इस पावन धरती पर, यह ऐतिहासिक जमीन है शेखावटी का, यह मुख्यालय झुंझुनू, यहां जैसा ओला साहब ने कहा, इंदिरा जी, राजीव जी, राहुल गांधी जी, सोनिया जी, सभी यहां लोग आए और एक जुड़ाव और एक संबंध इस परिवार से बना हुआ है। आज स्वर्गीय श्रीराम ओला जी की मूर्ति का अनावरण प्रियंका जी के करकलमों से हुआ है, ये अपने आप में इतिहास में एक और कड़ी जुड़ गई है। हर पीढ़ी का संबंध लगातार बढ़ता चला जा रहा है। दोस्तों, आप सब जानते हो आज से 30 दिन के बाद राजस्थान की विधानसभा के चुनाव है, 25 नवंबर को वोट पड़ेंगे और प्रियंका गांधी जी ने जो बीड़ा उठाया है उसमें उनका समर्थन करने के लिए, उनको ताकत देने के लिए आप सब यहां पे आज मौजूद हैं। प्रियंका गांधी जी ने जो मेहनत करी है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, कर्नाटक हो, वो सभाएं कर रही है मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, राजस्थान में, वो टोंक में आई थी, दौसा में आई थी, आज झुंझुनू में आई है, और भी सभाएं होंगी, राहुल जी की होंगी, प्रियंका जी की होंगी, लेकिन हम लोगों ने इन चारों पांचों विधानसभा क्षेत्रों में जो अलग अलग राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां पर कांग्रेस पार्टी की स्थिति लगातार मजबूत होती चली जा रही है। मैं आज हमारे पार्टी, हमारे परिवार से जो लोग नए जुड़े हैं उन सबका स्वागत करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपके आने से हमारी पार्टी को, कार्यकर्ताओं को बल मिलेगा, दम मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो 9 साल का कुशासन दिल्ली से चलाया है उसके हम सब गवाह हैं। कोई वर्ग इन्होंने छोड़ा नहीं, मध्यम वर्ग हो, सैनिक हो, किसान हो, नौजवान हो, हर व्यक्ति को झांसे में लेकर लगातार उसके ऐसी नीतियों का निर्माण किया जिससे लोग परेशान रहे, पीड़ित रहे। किसानों के खिलाफ 3 काले कानून बनाए, 1.5-2 साल तक किसान दिल्ली को घेरे बैठे रहे, सैकड़ों किसानों ने आत्महत्या करी, झुंझुनू के वो लोग, वो किसान जो इस नीतियों के खिलाफ थे मुखर होकर अपनी बात को बोलते थे, अंत में केंद्र की सरकार को किसानों की डिमांड के सामने झुकना पड़ा और 3 काले कानून वापस लेने पड़े। राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने हमेशा नौजवानों की बात रखी है, नौजवानों को ताकत देने का काम, राजनीति की अग्रिम पंक्ति पर खड़ा करने का काम इन सब लोगों ने किया है, आज हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। और साथियों, झुंझुनू में तो शेखावटी में मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, शेखावटी में जो ताकत और मदद कांग्रेस पार्टी को मिली थी उसी के दम पर हम लोगों ने सरकार बनाई थी, इसीलिए आप लोगों का दायित्व बढ़ जाता है आपस के मनमुटाव बढ़ाकर। आज हमारा लक्ष्य दूसरा है,
पूरा देश जानना चाहता है कि राजस्थान की जनता किस करवट बैठेगी। इन विधानसभा चुनाव के परिणाम से आने वाली देश की राजनीति तय होने वाली है। इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा कि किस मुंह करें। साढ़े चार सक बंद कमरों में बैठे रहे, अब चुनाव आ गया तो रथों पर बैठकर यात्रा निकाल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो नीति राजस्थान में रही सिर्फ आरोप लगाने की रही, उंगली उठाने की रही। आज तक मैं भाजपा के साथियों से पूछना चाहता हूं, राजस्थान के लिए आपका विजन क्या है, रोडमैप क्या है, आप अगले 5 साल में प्रदेश को क्या देंगे? आलोचना करना, बेईमानी करना, लोगों को भड़काना, हिंदू मुसलमान की बात करना, मंदिर मस्जिद की बात करना, ये तमाम बातें करते हैं। और हमारे कांग्रेस के साथी, हमने जो मैनिफेस्टो बनाया उसके आधार पर सरकार ने काम किया। खाद की, बीज की, बिजली की, पानी की, सड़क की, स्कूल की, शिक्षा की, चिकित्सा की, इन बातों को लेकर हम आगे बढ़े हैं। और आज जनता ने मन बना लिया कि 30 साल की जो परिपाटी प्रदेश में कायम हो गई थी उसको तोड़ना है, और 5 साल का जो मामला था उसको समाप्त कर सभी लोग भारी मतदान कर। और मैं तो उस मन से कहना चाहता हूं, ओला साहब, आपके यहां पे भाजपा ने उम्मीदवार दे दिए, और पिछली बार जो जीत कांग्रेस पार्टी की हुई थी उससे बड़ी जीत इस बार जुलूस होने वाली है, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। मैं आप सब लोगों से करपत्र निवेदन करता हूं कि एक एक वोट कांग्रेस के निशान पर लगना चाहिए। ये हाथ का निशान कांग्रेस की पहचान है, और प्रियंका जी के आह्वान पर हम सब लोगों को पहले से ज्यादा बहुमत शेखावटी जुलूस लेकर हम लोग आएंगे और कांग्रेस की सरकार दोबारा बनाएंगे। मैं इस मौके पर पुनः प्रियंका जी का स्वागत करता हूं, और आप सब लोग जो कि भारत आदाब में यहां पर आए, आप सबका स्वागत, अभिनंदन, जय हिंद, राम राम साहब। अब राजस्थान कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्माननीय गोविंद सिंह जी को मैं आमंत्रित करता हूं, वो आपको संबोधित करें। राम राम साहब। आज हमारे बीच में हमारी नेता अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, हमारे प्रभारी आदरणीय सुखजिंदर रंधावा जी, हमारे पूर्व प्रदेशाध्यक्ष पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय सचिन पायलट जी, हमारे आपके लोकप्रिय नेता हमारे मंत्री आदरणीय ब्रिजेंद्र ओला जी, हमारे सह प्रभारी साहिबान, हमारे मंत्री और विधायक साहिबान, हमारे चारों वो लोग जिन्होंने कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास व्यक्त करते हुए आज कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है, उन सबको साथ लेते हुए सम्मानित मंच, आदरणीय बुजुर्गों, युवा साथियों, माता बहनों, पत्रकार बंधु, कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं, हम सब मिलकर के हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्रियंका जी, ये वो झुंझुनू जिला जिससे सेना में हमारे नौजवान इस देश की रक्षा करते हैं, अपने प्राण न्योछावर करके देश की आन बान और शान ऊंची करते हैं, ये नौजवानों का जिला, शहीदों का जिला, वीरों का जिला, शिक्षा के क्षेत्र में बालिका शिक्षा जो स्वर्गीय शीशराम जी ओला साहब ने पौधा लगाया था, आज वट वृक्ष बनकर के पूरे देश में अगर बालिका शिक्षा सबसे अव्वल है तो वो झुंझुनू जिला है, जहां पर आज सभा करने के लिए हम सबके बीच में आप पधारी हैं। मैं समझता हूं कि शीशराम जी ओला साहब ने इस जिले को ही नहीं, प्रदेश को ही नहीं, बल्कि पूरे देश में किसान नेता के रूप में 3600 कौमों को साथ लेकर के इस देश में काम करने का काम किया, कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया। आज उनकी मूर्ति का अनावरण हुआ है, हम सब उसमें शामिल हुए, ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। ओला साहब का विजन, ब्रजेंद्र जी का विजन कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मूर्ति, हमारे नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी की मूर्ति, और इस प्रकार से बालिका शिक्षा के लिए ये एक प्रकार का ये संस्थान, मैं समझता हूं ऐसी सोच के व्यक्ति ने इस राजस्थान में झुंझुनू जिले को सबसे अव्वल बनाने का काम किया था, आज उनको हम सब लोग याद कर रहे हैं।
भाइयों को चुनाव आयोग टिकटा बट रही है, कांग्रेस भी बांट रही है, बीजेपी भी बांट रही है। मैं तो थाने एक ही निवेदन करवा के लिए हाजिर हुए हूं कि आज शेखावाटी ने मुख्यमंत्री जी संभाग बना दियो, संभाग बना दियो, और इस संभाग को फल आपने जनता ने जद मिलेगो तो आपनो धर्म बने। कहता काम हुआ, 10 तरीके की गारंटी हुई, ओला साहब ने कोई कोर कसर काम में नहीं छोड़ी। और यहां से जो काम आपने सरकार को बताया सरकार ने किया, जो आपने संगठन से अपेक्षा की वो संगठन ने किया, और शानदार जब शानदार काम हमारी सरकार ने किया है तो आने वाले समय में हमारी कांग्रेस की सरकार इस चुनाव में भारी बहुमत के साथ में रिपीट होनी चाहिए, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है। पिछले चुनाव में भी झुंझुनू जिला ने आदरणीय प्रियंका जी बहुत शानदार प्रदर्शन किया था। भारतीय जनता पार्टी को केवल एक सीट गई थी, मैं इनके बलबूते पे इनके भरोसे पे ये आपको निवेदन कर सकता हूं कि अब की बार झुंझुनू जिले से एक भी भारतीय जनता पार्टी की सीट नहीं आएगी, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। पहले 2 सीट आ गई थी लेकिन उपचुनाव में 33,000 से कांग्रेस की टिकट जीत करके मंडावा से हमारी बहन रीता चौधरी गई थी। मैं निवेदन करना चाहता हूं जो अग्निपथ ला करके झुंझुनू जिला और राजस्थान के हमारे किसान के नौजवानों के साथ में जो धोखा इस मोदी सरकार ने किया है, मेरे नौजवान साथियों किसान भाइयों, ये समय आ गया है बदला लेने का। 25 तारीख को हाथ के मशीन के ऊपर दबा करके बता दीजिए कि आपने हमारा कितना नुकसान किया है। ये समय आ गया है, 15 महीने जो किसानों को खून के आंसू रुलाने का काम इस भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार ने किया था उसका बदला लेने का समय आ गया है। 25 नवंबर को हम बता देंगे कि आप किसानों की विरोधी सरकार है, किसानों के साथ में आपने भेदभाव किया है, 700 किसानों की शहादत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। उन जो किसान 15 महीने तक दिल्ली के बॉर्डर पर पड़े रहे, अगर उन किसानों की शहीद हो गए तो उनका बदला लेने का समय अब वोट के माध्यम से हमारे सामने 25 तारीख को आ रहा है। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा क्योंकि हम माननीय आदरणीय प्रियंका गांधी जी को सुनना चाहेंगे, लेकिन मैं था के पड़ोस को हूं, था को हूं, कोई को भाई, कोई को बेटो, कोई को रिश्तेदार, मैं एक ही निवेदन कर वो चाहूं, शीश राम जी ओला साहब ने जिंदगी में 50-55 साल तक इस झुंझुनू को और राजस्थान को देने में कसर नहीं छोड़ी, आज विजेंद्र जी ओला ने नहीं छोड़ी, राजस्थान को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने देने में कमी नहीं छोड़ी, और राहुल जी जो हमारे नेता है 4,000 किलोमीटर यात्रा करके मोदी की नाक में नकेल डालने का काम किया है। अब हम सबको उठ खड़े होना है, घर घर जाना है, गांव गांव जाना है, और यहां से जो भी कांग्रेस का प्रत्याशी है उसको जीता करके राजस्थान में ऐतिहासिक बहुमत के साथ में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनानी है। कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनेगी और दिल्ली में मोदी जी का तख्ता पलट होगा, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। ये शुरुआत इस 2023 के चुनाव से हमको विधानसभा से करनी है। एक बात गांठ मान लो, कांग्रेस है तो किसान है, कांग्रेस और किसान को चोली दामन को साथ में है, इसलिए किसाना को इस जिले झुंझुनू में भारतीय जनता पार्टी की एक सीट नहीं आनी चाहिए। वो संकल्प हाथ खड़ा कर प्रियंका जी ने बता दो सारा का सारा कि हम यहां से 7 की 7 सीटें कांग्रेस की झोली में आपके माध्यम से डाल करके खड़गे साहब और राहुल गांधी जी की झोली में डालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अब मैं आमंत्रित करूंगा राजस्थान के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत, आपको संबोधित करें। हमारे नेता एआईसीसी की महासचिव प्रियंका गांधी जी, हमारे प्रभारी नंदावा साहब,
प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद दत्तात्रेय जी, हमारे साथी संजय पायलट जी, प्रेम गोला जी, हमारे बड़े साथी अमरान चौधरी जी, गोविंद राम मेघवाल जी जो चेयरमैन है कैंपेन कमेटी के, काजी निजामुद्दीन जी, अमृता धवन, वीरेंद्र राठौड़ जी सचिव एआईसीसी के हैं, यहाँ उपस्थित हमारे विधायकगण, यहाँ लोकल जो जिले के विधायक राजकुमार शर्मा जी, रीता चौधरी जी, चंदेलिया जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, श्रवण कुमार जी पूर्व विधायक, और जिला अध्यक्ष दिनेश छोड़ा जी, और हमारे प्रत्याशी भगवान राम सैनी, सम्मानित मंच उपस्थित हमारे भाई और बहनों, नौजवान साथियों, प्रियंका गांधी जी आज आई यहाँ पर अड़ावता के अंदर। अड़ावता का नाम इतिहास में अलग स्थान रखता है। ओला साहब के बारे में भी बहुत कुछ बातें कही गई। आप बताइए, 5 बार सांसद, 8 बार विधायक, देश में कितने लोग रहे होंगे, आप सोच सकते हैं। लंबा राजनीतिक जीवन जीने वाले, फौज में रहे थे जवानी के अंदर, अलावता में सरपंच बने 48 के अंदर कदमा के लिए, और 52 में जो बालिका शिक्षा का बीड़ा उठाया, जो आधे वक्त वर्ष बन चुका है। मैं समझता हूँ कि ओला जी को 68 के अंदर जब पद्मश्री मिली थी, हम लोग छात्र थे उस जमाने के अंदर, मैं खुद छात्र था, पढ़ते थे शीशम ओला नाम का एक फौजी जिसने अपना जीवन समर्पित कर दिया जुर्नू के लिए, समाज के लिए, उनको पद्मश्री से नवाजा गया है, तो कितनी खुशी हुई होगी प्रदेशवासियों को। वहां से शुरुआत करते करते आज हम यहां तक पहुंचे हैं। अभी प्रियंका जी को आप सुनेंगे, हम चाहेंगे कि हम तो रोज बोलते रहते हैं, आप लाइव देखते होंगे सुनते होंगे, प्रियंका जी का 3री बार आना हुआ है, मैं इनका शुक्रिया अदा करूंगा। निवाई में आई पहले, वो सिकराई में आई है, अब अड़ावता की ऐतिहासिक भूमि पर आई है, जहां ओला साहब की मूर्ति का अनावरण आपके कर कमलों से हुआ है। ये मुबारक मौका भी हमारे लिए मुबारक मौका होता है। ओला साहब हमारे बीच नहीं रहे, वो दुख तो हमेशा रहता है, पर वो मूर्ति लगी है, जैसे शहीद की मूर्ति लगती है, महापुरुष की लगती है, तो क्यों लगती मूर्ति, इसलिए लगती है कि आने वाली पीढ़ियां देखिए मूर्ति किसकी है, क्यों लगी है, और प्रेरणा देता है। नौजवान भी जीवन में संकल्प करता है कि मुझे कुछ करके गुजरना है, इसलिए मूर्ति लगती है। या इस कैंपस के अंदर पंडित जी की मूर्ति, जवाहरलाल जी की मूर्ति है, राजीव गांधी जी की मूर्ति लगी हुई है, आप सोच सकते हैं कि ओला साहब का पूरा परिवार गांधी परिवार के लिए समर्पित रहा है, बचपन से ही समर्पित रहा है। ये झलक मिलती है प्रेम ओला जी के अंदर भी, बहुत की सादगी के साथ रहते हैं। ये मेरे बाद दूसरी बार मंत्री बने मेरे साथ में, जब पहली बार मंत्री पिछली बार था तभी मेरे मंत्री थे, मैंने इनको काम की नजर से देखा है किस प्रकार से ये अपना काम संभालते हैं, मैं जब बहुत प्रभावित रहा हूँ। इस मुबारक मौके पर अभी आपने देखा ज्वाइनिंग हुई है पार्टी के अंदर, ममता शर्मा जी हमारी वरिष्ठ नेता रही हैं, शोभा रानी कुशवाहा जी अभी बीजेपी के विधायक है धौलपुर से, डॉक्टर विकास चौधरी जी जो हमारे बीजेपी के नेता हैं किशनगढ़ से, और संत चौधरी शर्मा जो हमारा नौजवान साथी बूंदी से। ये आप मैसेज है प्रदेश के अंदर, जो सरकार ने काम किए राजस्थान के अंदर, जिसका जिक्र बार बार हमारे सब वक्ता करते हैं, आप सब जुनू जिले के लोग हैं, जुनू जिला आजादी के पहले से ही वो जिला देश के अंदर जहाँ पर शिक्षा का प्रभाव पहले से रहा, यहाँ पर यहाँ के जो बड़े बड़े बांगर बिरला गोयनकार सिंगानिया जो भी बड़ी हस्ती हुई है, जमा बाजार जो
गांधी जी के साथ थे, वृद्धाश्रम सेवाग्राम आश्रम बनाए उन्होंने, AIC जी के कोषाध्यक्ष थे, तो इस शेखावटी ने क्या नहीं दिया देश को, कांग्रेस को? गंजाम दास बिरला गांधी जी के साथ खड़े रहे आजादी के जंग के अंदर, आज भी वो लोग देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले लोग हैं। शिक्षा के अंदर भी बड़े बड़े यहाँ पर स्कूल कॉलेजेस, जो कॉलेज हम बनाते हैं मैं देखता हूँ वैसी कॉलेज तो स्कूल बनी हुई आपके यहाँ पर सजावट है, नवनगढ़ हो चाहे वो और कोई क्षेत्र हो, यहाँ कमला बनीवाई जी जैसी, सुमिता सिंह जी जैसी लड़कियों जमाने की मनस्ली में जाके पढ़ी है, इसका मतलब आपके जो पूर्व थे उन्होंने भी शिक्षा पे ध्यान दिया। और मेरा भी मानना है बिना शिक्षा जीवन में अंधेरा है। आज शिक्षण संस्थान बैठे हुए हैं, हमारी सरकार की लंबी फहरिस्त है हमने क्या क्या शिक्षा के लिए किया है। 76 साल में कॉलेज खोले 250 और मैंने 5 साल में कॉलेज खोल दिए 310 कॉलेज खोल दिए 310 कॉलेज, उनमें 130 लड़कियों को लिए गर्ल्स कॉलेज है। बोला साहब बैठे पूछो, मैंने कह रखा था सब MLA को तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। और कहानी करके दिखाया, करके दिखाया। शिक्षा के अंदर स्वास्थ्य सेवा में तुमने कीर्तिमान स्थापित किए, 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, दुर्घटना बीमा, महंगाई राहत शिविरों में जो हमने गारंटी दी आप लोगों को, वो गारंटी खाली दी नहीं है, लागू भी कर दिया हमने। पेंशन राजस्थान वो राज्य है जहाँ 1 करोड़ लोगों को, विधवाओं को, बुजुर्गों को, निःस्वजनों को पेंशन मिलती है, पति पत्नी 2000 मिलती है प्रति माह। ये सोशल सिक्योरिटी है, ये कोई एहसान नहीं आपके ऊपर, ये सरकार का दायित्व तो है। आज महंगाई का दौर है, राहुल गांधी जी यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, 4 मुद्दे थे, महंगाई का, बेरोजगारी का, प्यार मोहब्बत का समाज के अंदर, और गरीब अमीर के बीच में खाई बढ़ती है, नहीं बढ़नी चाहिए। मुझे गर्व कहते हुए कि मेरी सरकार का बजट जो आया है वो 4 मुद्दों को लेकर आया है। 3 लाख नौकरी है, अधिकार नौकरी मिल चुकी है, महंगे राज शिविर में जो जो हमने फैसले किए, चाहे बिजली को लेके हो, 2000 यूनिट बिजली फ्री किसानों के लिए, अलग बजट किसानों के लिए, हिंदुस्तान में कहां पे नंबर 1 राजस्थान है जहां पर मैंने शुरुआत करी, उसके बाद तमिलनाडु ने शुरुआत करी, अलग बजट किसानों के लिए। आप सब किसान बैठे हुए हो, काले कानून की बात अभी 2-2 साल नहीं की आपको हमारे अध्यक्ष जी ने, पूरा देश हिल गया था। आखिर में प्रधानमंत्री मोदी जी को झुकना पड़ा किसानों के सामने, भूलना नहीं चाहिए हम लोगों को, काले कानून वापस लेने पड़े उनको। इसलिए मैं कहना चाहूंगा एक के बढ़ के एक हमने फैसले किए थे, इनके हिंदुत्व का मुद्दा बनाते हैं वो भी राजस्थान चलने वाला नहीं है। सेवा हम करते गायों की भी, मंदिरों की भी निर्माण किया, पुनर्निर्माण किया, जो पुजारी उनका मानदेय बढ़ा दिया राजस्थान के अंदर, गाय को विभाग अलग बना दिया हम लोगों ने। लंपी रोग में गाय मर गई थी, आप बैठे होंगे लोग, 40,000 रुपये प्रति गाय मैंने पेमेंट करवाया है, लंपी रोग की गाय मर गई थी, गाय मारे तरह तरह के मरी थी उस वक्त में, हम भूल नहीं सकते। और आगे काम दिनों योजना के अंतर्गत बीमा कर दिया गायों का, भैंसों का भी 40,000 का बीमा रहेगा राजस्थान के अंदर। इस प्रकार से जो हमने फैसले किए वो आपके सामने हैं, और इसलिए मैं कहना चाहूंगा जो कहा 500 रुपए में सिलेंडर, गैस सिलेंडर हिंदुस्तान में कहीं नहीं रहा, हमने दिया है 500 रुपए गैस सिलेंडर दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि सारे हमारे फैसले पानी हो चाहे बिजली की जनरेशन हो, शिक्षा हो या स्वास्थ्य सेवाएं हो, सड़कें हो, 1.5 लाख किलोमीटर सड़कें बनी राजस्थान के अंदर बन रही है, शानदार सड़कों वाला राजस्थान है। आज नेशनल हाईवे के अलावा भी स्टेट हाईवे, मेगा हाईवे, डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड्स बन रही है, गांव में रोड बना रहे हम लोग। इसलिए
सोशल सिक्योरिटी सहित जो काम हम कर रहे हैं उनकी अलग पहचान बनी है। और हमने कहा है महिला हमारे टारगेट है, किस प्रकार ये सशक्तिकरण हो। राजीव गांधी जी ने पहली बार 73-74 अमेंडमेंट किया, जब गांव में महिलाएं सरपंच बनती है, प्रधानमंत्री है, प्रमुख बनती है, मेयर बनती है, चेयरमैन बनती है, शहरों के अंदर सशक्त हुई महिलाएं, देश की महिलाएं सशक्त हुई है। सोनिया गांधी ने झंडा उठा रखा था आरक्षण का, महिलाओं का आरक्षण पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली के अंदर। आखिर में 9 साल बाद में मोदी जी को झुकना पड़ा, वो कानून लाना पड़ा। यूपी गवर्नमेंट ला चुकी थी कानून, एक सदन पास हो गया था तो पास नहीं हो पाया बाद में, अब वो कानून भी पास होगा, महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। और हम लोग स्मार्टफोन और महिलाएं जो है वो भी गांव में जाओ, ढाणे में जाओ, महिलाएं मोबाइल से बात करती है, उनकी बच्चियां पढ़ती है मोबाइल से, वीडियो कॉलिंग पढ़ती है, वो ऑनलाइन पढ़ती है। एक महिला अपने पति से बात कर सकती है, माँ बेटे से बात कर सकती है, चाहे वो विदेश में रहे या कहीं रहे। ये क्रांति है, ये क्रांति कौन लेके आया? राजीव गांधी लेके आए थे, जिनकी मूर्तियां लगी हुई है रावता के अंदर, इस कैंपर के अंदर। उस पर लोग समझ नहीं पाए राजीव गांधी क्या कहना चाहते हैं, 21st सेंचुरी बात करते थे। अब मालूम पड़ा राजीव गांधी क्या चाहते हैं, जब आपके हाथ में कंप्यूटर, मोबाइल फोन, इंटरनेट सेवाएं आ गई, दुनिया भर से आप जुड़ चुके हो। एक क्रांति है, एक क्रांति है जिसको आप देख रहे हो अपने और अनुभव कर रहे हो आप लोग। नॉलेज पावर, ये नॉलेज पावर का एक आपके हथियार है हाथ के अंदर, जितना ज्ञान होगा उतना पावरफुल आप हैं। इतने इस प्रकार के फैसले हुए हैं जो आपके सामने हैं, ये कांग्रेस ही कर सकती है। कांग्रेस के लोग विचारधारा प्रोग्रेसिव है, वो सोचती है आगे की बात सोचती है, इनकी तरफ धक्केनुशी नहीं है, इनकी तरफ धर्म के नाम में लोग भड़काने वाले नहीं है, इनकी तरफ फांसी की सोच नहीं है, ईडी इनकम टैक्स CBI से राज करो। हम अपने विपक्ष को भी सम्मान देते हैं क्योंकि लोकतंत्र है, ये लोग विपक्ष को दुश्मन मानते हैं, दुश्मन निकालते हैं, नफरत करते हैं लोग, ये सत्ता में काबिल लोग नहीं है, मैं कह सकता हूँ आपको। धर्म के नाम बैठे हुए अलग बात है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा हालात बड़े गंभीर है, हमने तय कर रखा है, हमने जो आपको गारंटी दी, पहले आपको आश्वासन दिया था मैनिफेस्टो में, हमने 90% पूरा किया, घोषणा पत्र हमारा, हमने नंगेरा शिविर में 10 आपके लिए वादे लिए थे, गारंटी कार्ड दिए थे आपको, वो सब काम लागू हो गए, खाली काम ही है, लागू भी हो गए। 100 यूनिट बिजली, 1,04,00,000 लोगों का बिल जीरो हो गया, राजस्थान 1,04,00,000 लोग जीरो हो गए, 14,00,000 किसानों का बिल जीरो हो गया है 2,000 यूनिट बिजली फ्री करने से। क्या नहीं किया आप समझ सकते हो, हमने मिनिमम इनकम गारंटी रेट बना दिया राजस्थान में, शहरों में भी गारंटी दे रहे हैं रोजगार की, नरेगा की तरह। देश में 2-3 राज्य होंगे जो ये गारंटी दी है, लागू कर दिया है। इस प्रकार से जो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको, जो फैसले हमने किए हैं, इसकी मेमोरी है, कानून ने पास किए हैं, उसके कारण राजस्थान आज पूरे देश में चर्चा में आ गया। पहली बार राजस्थान चर्चा में आ गया देश के अंदर, ये राजस्थान के अंदर ऐसे स्कीम आ रही है, पूरे मुल्क में तारीफ हो रही है स्कीमों की। 25,00,000 का बीमा फिर कहना चाहूंगा, कोई मामूली बात है, और सबको है, लोग समझते नहीं है। बाकी राज्यों में 15% के 20% 22% है पब्लिक कवर 5,00,000 के बीमे से। आयुष्मान भारत 5,00,000 का बीमा भारत सरकार का है, खाली सोशल इकोनॉमिक सर्वे जो हुआ था यूपी गवर्नमेंट का, वो लोग कवर है। चिरंजीवी योजना में पूरा प्रदेश कवर है, एकमात्र राजस्थान राज्य देश के अंदर पूरा पेश कवर है। इतने मैं कहना चाहूंगा, अब मैंने एक जो माहौल बना देश के अंदर उससे हमने भी तय किया है। मैं चाहता हूँ प्रियंका जी गारंटी, आज हमारी 2 गारंटी थी, उनको प्रियंका जी के द्वारा हम घोषणा करवाए। प्रियंका जी ने कहा नहीं आप खुद घोषणा करो, इसलिए मैंने कहा चलो। 2 बातें मैं कहना चाहूंगा, हम चाहेंगे आपको
आज तक किया वो आपके सामने है, बाधा बनने की आवश्यकता नहीं है। बहुत लंबी लिस्ट है, वक्त लग जाएगा। छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसान के लिए, सब कुछ किया हम लोगों ने। निःस्वजनों के लिए, विधवाओं के लिए, अब हमने तय किया है गारंटी देने की बात है। पहली गारंटी होगी जो हमने पहले 500 रुपये सिलेंडर दिया था आपको, वो दिया था खाली उज्ज्वला योजना की महिलाओं को दिया था, उज्ज्वला योजना की महिलाओं को दिया था खाली। आज मैं एक गारंटी दे रहा हूं, सरकार हमारी आएगी तो 1,05,00,000 परिवारों को 500 रुपये सिलेंडर मिलेगा। फैलाव करेंगे। और दूसरी गारंटी है महिलाओं को, महिलाओं को सम्मान के रूप में परिवार की मुखिया महिला को सम्मान के रूप में प्रतिवर्ष 2 किस्तों में, वो तो हम तय करेंगे 2 या 3 में, 10,000 रुपये प्रति महिला मिलेगा, 10,000 रुपये मिलेगा। ये सम्मान है उनका, महिला मुखिया का सम्मान होगा प्रदेश के अंदर। 10,000 रुपये जो मिलेंगे स्वाभिमान बढ़ेगा उसका, छोटे मोटे खर्चों के लिए मांगना नहीं पड़ेगा उसको। चित्र में एक बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूं। पेंशन देते हम लोग बुजुर्गों को 1,000 रुपये कर दी, मैंने पहले 500 रुपये थी, 750 थी, पति पत्नी है तो 2,000 रुपये मिलते हैं। आप बताइए ये बुजुर्ग लोग जो हैं, कई बार सासू पहरा मानते बहू से कि मेरी बेटी आने वाली ससुराल से, या दोहती आएगी तो मैं कुछ इनाम दूंगी उनको, और अगर बहू उसको तरजीह नहीं दे, सासू मांग रही है बहू मना कर रही है पैसे नहीं मेरे पास में, तो सासू जी का मूड ऑफ हो जाता है, खाना नहीं खाता उसको सासू जी। हमने इंतजाम किया है कि सम्मान जब राशि मिलती है 2,000 रुपये या 1,000 रुपये, तो वो परवाह नहीं करती है किसी की भी, उसे मालूम है बेटी आएगी दोस्ती आएगी दोस्त आएगा, तो आराम से 50 रुपये का नोट, 100 रुपये का नोट मुट्ठी बंद करके पकड़ा दूंगी, अपनी बेटी को पकड़ा दूंगी। सम्मान हो गया सासू जी का भी, बुजुर्ग महिला का भी, और साथ में घर में भी जो है पोते पोती छोटे बच्चे होते हैं वो भी आगे पीछे फिरते दादा दादी के, मालूम है कि जेब में पैसा है, दादा पानी लाऊं, दादी खाना खिलाऊं, खाना खाओगी, इसलिए मैं सेवा करूंगा तो मेरे को कुछ इनाम मिलेगा, मैं खर्च कर पाऊंगा। इस भावना के साथ में हमने इस बात को जोड़ा है, और 1 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान में, राजस्थान वो राज्य है सब शर्तें हटा दी हमने, 1 करोड़ लोगों को हम लोग पेंशन दे रहे हैं राजस्थान के अंदर, 1,000 रुपये मिनिमम दे रहे हम लोग, और साथ में ये कर दिया है 15% अपना भी बढ़ता जाएगा, प्रतिवर्ष बढ़ता जाएगा, 1,000 का 2,000 होगा, 2,500 होगा, आगे बढ़ता जाएगा। इस प्रकार से सरकार ने जो फैसले किए हैं वो आपके सामने है। मैं चाहूंगा कि बहुत अच्छा लग रहा मुझे, क्योंकि मैं 3rd-4th बार आया हूँ यहाँ पर, इंदिरा जी आई थी, राजीव गांधी जी आए थे, सोनिया जी आई थी, ये अड़ाता का नाम ओला साहब के साथ जुड़ गया इस प्रकार से, और कितनी खुशी होती है जब चला उम्र पड़ा है प्रियंका जी के लिए यहाँ पर सुनने के लिए उनको। मैं चाहूंगा कि वो हम सबको संबोधित करें, मैसेज दे राजस्थान के अंदर, अगली सरकार अगर आपका ये प्यार रहा, आपकी मोहब्बत रही, आपका विश्वास रहा सरकार पर, तभी जो बात चलती है कि साहब सरकार बदल जाती है 5-2 साल के अंदर, उस रिवाज को आप बदल दोगे, सरकार रिपीट करोगे, मुझे पूरे यकीन है। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। ओपीएस के लिए बात करके खत्म करता हूं। ओपीएस आउट किया मैं कर्मचारियों के लिए, वो भी चार बन गया देश के लिए, ओपीएस आईजीएसएस हेल्थ स्कीम है कर्मचारियों के लिए, वो भी शानदार है।
आज केंद्र सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। अभी देरी हुई थी रामलीला मैदान के अंदर पूरे देश भर के कर्मचारियों की। हमने तय किया है ओपीएस को लागू रखेंगे, चाहे कोई बात हो जाए खत्म नहीं करने वाले हम लोग। धन्यवाद। केंद्र मैं आदरणीय प्रियंका जी को आमंत्रित करूं आपका संबोधन करने से पहले। आप कृपया करके भारी हर्षध्वनि से करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। आदरणीय प्रियंका जी आप अब संबोधित करें। आप सादर आमंत्रित। सबसे पहले तो मेरी बहनें बहुत सारी बैठी हैं, आप सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। काफी समय से बैठी हैं, मैंने सुना 11:30 बजे आई थी। हाँ 11 बजे। गर्मी भी बहुत है और वहां पे काफी नौजवान लड़कियां भी हैं। बोर हो रही हो? अभी नहीं तो मैं करती हूँ थोड़ा बोर तुझे। श्री अशोक गहलोत जी, श्री सचिन पायलट जी, श्री सुखजिंदर सिंह रंधावा जी, श्री गोविंद सिंह दोतासा जी, श्री ब्रिजेंद्र ओला जी, श्री हेमाराम चौधरी जी, श्री गोविंद राम मेघवाल जी, राजकुमार शर्मा जी, रीता चौधरी जी, जेपी चंदेलिया जी, जितेंद्र सिंह जी, दिनेश सुंदर जी, श्रवण कुमार जी, यहां उपस्थित सभी नेतागण, सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, आप सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। शुरू करने से पहले एक बार मेरे साथ शाकंभरी माता की, सालासर बालाजी महाराज की, खाटू श्याम जी की, बाबाजिया बाबा की और आपकी इस पवित्र मिट्टी की भी मेरी तरफ से जय। आपकी ये जो मिट्टी है इसने देश को बहुत कुछ दिया है। शीशा मोला जी जैसे नेता, अनगिनत शहीद सैनिक, आपने इसी धरती से स्वतंत्रता की अलग जगाई। 1857 से लेकर आज तक आपकी धरती के वीर इस देश के लिए शहीद होने के लिए तैयार हैं। यहां की माताओं को मेरा प्रणाम। सबसे ज्यादा रिटायर्ड सैनिक झुंझुनू में ही है और सबसे ज्यादा सैनिक जो सरहद पे आज भी तैनात है वह भी झुंझुनू से हैं। बिरला दालमिया सिंह यहां पर जो शिक्षा का केंद्र बना, जहां जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, ये भी इसका भी निर्माण आप ही ने किया। भारत की जो गंगा जमुनी संस्कृति है, यहां झुंझुनू में इसका मिसाल भी है। यहां चंचल नाथ जी के टीले पर कव्वाली भी सुनाई देती है और कमरुद्दीन जी की दरगाह पर भजन भी। ये राजस्थान प्रदेश वीरों का प्रदेश है।
आपको गर्व होना चाहिए अपने प्रदेश पे, आपने हमारे देश को कितना दिया, आपकी मेहनती जनता, दिन रात काम करने वाले किसान, आप ही ने इस देश का निर्माण किया है, आप ही ने इस प्रदेश को आगे बढ़ाया है। आपका इतिहास शौर्य का है, शक्ति का है, एक ऐसा इतिहास है जिस पर पूरे देश को गर्व है। तो आज आपके सामने मैं चुनाव के मौके पर खड़ी हूं। ओला जी ने कहा कि मेरे परिवार के बहुत सदस्य मेरे से पहले यहां आए, उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों की भी बात की, शायद पायलट जी ने आस्था की बात की कि किस तरह से झुंझुनू के लोगों ने इन नेताओं में अपनी आस्था रखी। चुनाव आता है तो हर पार्टी के लोग, हर पार्टी के नेता आते हैं, सबके भाषण सुनते हैं आप। कभी कभी मेरे मन में आता है कि सबके भाषण एक ही लगते हैं मुझे, हम उनको दोष देते हैं, वो हमें दोष देते हैं, हम कहते हैं कि वो भ्रष्ट है, वो कहते हैं हम भ्रष्ट हैं, हम कहते हैं कि हम सेवा करते हैं, वो कहते हैं कि वो सेवा करते हैं। तो आपको कैसे मालूम होगा कि किसकी बात सही है और किसकी नहीं है? और इस देश को चलाने के लिए, प्रदेश को चलाने के लिए आप एक नेता में या एक पार्टी में क्या उम्मीद रखते हैं, क्या चाहते हैं उससे? आपने इस बात को गहराई में, आपने इस बात के बारे में सोचा है? आज मैं इस बात को आपके सामने रखना चाहती हूं कि जो नेता होता है, जो प्रदेश को चलाता है या देश को चलाता है, उसको एक गहरी समझ होनी चाहिए। किसी ने कहा विजन होना चाहिए, रोड मैप होना चाहिए। क्या होता है ये विजन, ये रोड मैप? ये होता है कि भविष्य में क्या बनाना चाहते हैं, किस तरह से प्रदेश का निर्माण करना चाहते हैं, देश को किस तरह से मजबूत बनाना चाहते हैं, और इसमें क्या क्या चीजें हैं जो उसको करनी चाहिए। और ये विजन जो होता है, ये रोड मैप जो होता है, इसी के जरिए फिर विकास होता है। जिस तरह से यहां आपकी, आपका कॉलेज है, ये छात्राएं बैठी हुई हैं, आज आप पढ़ाई कर रही हैं, अगर एक ऐसा नेता इस प्रदेश को चला रहा है जो आपके भविष्य के बारे में सोचे नहीं, तो आप कितनी भी पढ़ाई कर लें आपको जॉब नहीं मिलेगा, आप रोजगार ढूंढते हुए भटकते जाएंगे, रोजगार नहीं मिलेगा। अगर ऐसी सरकार है जो सोच नहीं रही है आगे के बारे में, भविष्य के बारे में, आप देखिए यहाँ पे बिट्स पिलानी है आपके क्षेत्र में, किसी के सोच के जरिए बनी, बिरला जी ने बनाई, नेहरू जी ने उनका प्रोत्साहन किया, कहा बनाओ ऐसा इंस्टीट्यूट बनाओ जिस जो विश्व में प्रसिद्ध हो जाए, और उन्होंने किया। आज की सरकार को देखिए, आज की सरकार सिर्फ दो उद्योगपतियों को का प्रोत्साहन कर रही है, सिर्फ दो, उनके जो मित्र हैं उनको पूरी देश की संपत्ति सौंपे जा रहे हैं, देश के बंदरगाह, देश के एयरपोर्ट, देश के जितने भी बड़े बड़े पीएसयू थे। अब आप सोचिए, मैंने भविष्य की बात की, भविष्य में सोचते हैं तो सबसे ज्यादा क्या होता है जरूरी भविष्य के लिए, नौजवानों के भविष्य के लिए? बहने आप यहां बैठी हैं, आप अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को पढ़ाती लिखाती हैं, मेहनत करती हैं, रोज खेती में जाती हैं, मेहनत करती हैं, और उस मेहनत की कमाई से इन्हें पढ़ाती हैं। तो आप क्या उम्मीद रखती हैं इनके भविष्य के लिए, कि बड़े होकर नौकरी मिलेगी, कमाएंगे, खुद अपना भविष्य मजबूत बनाएंगे? तो अगर एक ऐसी सरकार है जो रोजगार बना ही नहीं रही है, तो फिर आपके भविष्य का क्या होगा, जिसका विजन नहीं है, रोड मैप नहीं है कि रोजगार कैसे बनेंगे? शिक्षा की एक नई संस्था नहीं बनाएंगे, जो पुरानी है उनको भी बिगाड़ के रख देंगे। अगर ऐसी सरकार होगी तो आपके भविष्य का क्या होगा? देखिए, रोजगार कहां से बनते हैं, समझ लीजिए ये बात। सबसे पहले तो बड़े बड़े जो पीएसयू थे इससे बनते थे। आज मैंने कहा आपसे, सबके सब अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को सौंप दिए हैं, वहां प्राइवेटाइज हो जाता है, उसमें ना आरक्षण होता है और उसमें ना रोजगार बनते हैं। तो जिसमें जिस सबसे बड़ी
जो पीएसयू थे जहां से रोजगार बनते थे वो तो इन्होंने अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को सौंप दिए, और ये भी नहीं कहा कि चलो जितने अच्छे उद्योगपति हैं, मैंने इतने नाम लिए आपके सामने जो सब आप ही के क्षेत्र के थे, इन सबका प्रोत्साहन सरकारों ने किया था एक जमाने में, सबको मदद किया की थी कि आप बड़े बनेंगे तो आप रोजगार दिलवाएंगे, आपकी कंपनियां बड़ी होंगी तो मजबूती होगी देश में। आज सिर्फ दो उद्योगपति और उनके ऐसे ऐसी कंपनियां हैं, ऐसे ऐसे कारोबार हैं जिससे रोजगार नहीं बनते। तो एक तो रोजगार का जरिया यहाँ खत्म हो गया, दूसरा रोजगार का सबसे बड़ा जरिया क्या होता था, माध्यम क्या होता था, खेती किसानी। और आपने सबकी बातें सुनी, आप खुद जानते हैं कि जब किसान का आंदोलन हुआ किस लिए हुआ, इतना बड़ा आंदोलन, कितने किसान शहीद हुए, क्यों उतरे वो सड़क पे, क्योंकि ऐसे काले कानून ला रहे थे जो कि ये पूरी खेती किसानी भी अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को सौंपने जा रहे थे। आपको अपनी जमीनों पर हक, अपनी खेती पर हक, वो सब बिगाड़ने जा रहे थे। और झुके, जरूर झुके, लेकिन ये भी समझ लीजिए बहनों और भाइयों, कब झुके, चुनाव से पहले झुके। जब चुनाव आ रहा था, किसानों को शहीद होने दिया उससे पहले, उनकी कोई सुनवाई नहीं की, सड़क पे बैठे हुए थे, खाना नहीं था, पानी नहीं थी, सर्दी थी, मुझे याद है उस समय किसी ने बात तक नहीं की उनसे। बात तब होनी शुरू हुई जब चुनाव सामने आ रहा था, तब तक हमने खुद आंदोलन किया। लखीमपुर खीरी में किसानों को अपनी जीप के नीचे कुचलने वाले मंत्री के बेटे को उन्होंने बचाया और वो मंत्री उनके साथ मंच पर बैठता था, कुछ नहीं किया। तब किया जब तुम चुनाव आने लगे। तो आप सोचिए, किसानों ने आंदोलन किया, क्यों किया? जैसे मैंने कहा, क्योंकि एक ऐसी नीति आ रही थी जो उनको कुचलने वाली नीति थी। इसी तरह से हर वर्ग को देखिए, आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, सब कर रहे हैं आजकल, क्योंकि आजकल नेता भी समझ गए हैं कि महिलाओं का वोट बहुत कीमती है, इसीलिए आप सब महिलाओं की बात कर रहे हैं। लेकिन महिला आरक्षण की बात सबसे पहले किसने की? सालों पहले कांग्रेस पार्टी ने की। महिलाओं को आरक्षण किसने दिए पंचायतों में? सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने दिए। और इन्होंने एक ऐसा कानून पास किया है जो 10 साल तक ये कहते हैं लागू नहीं होगा, तो क्या करेंगे हम इस आरक्षण का अगर 10 साल हमें रुकना पड़ेगा इसके लिए? तो इनकी बातें जो है पूरी तरह से खोखली हैं। जो उदारता होनी चाहिए, जो समर्पण होना चाहिए, वो नहीं है। उदारता तो वो होती है जो किसान बाहर बैठा हुआ है सर्दी में, खा नहीं रहा है, पी नहीं रहा है, सुनवाई तो कर लो, समझ तो लो क्या कह रहा है, इस देश की जनता क्या कह रही है आपसे। लेकिन आज जो सरकार है, मोदी जी की सरकार, भाजपा की सरकार, उसमें आपकी कोई सुनवाई नहीं है। ये सरकार सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए चल रही है, और वो भी गिने चुने जो इनके मित्र हैं, जिनको पूरी देश की संपत्ति सौंपकर इनकी सत्ता मजबूत रहे। तो आपको समझना पड़ेगा कि आज की जो परिस्थितियां हैं उनसे आपका भविष्य कैसे बनेगा। ओपीएस की आपने बात की, अब जो कर्मचारी है 20-20 साल काम करता है, उसकी क्या उम्मीद होती है? और सरकारी नौकरी, मुझे याद है बचपन में भी जब मैं छोटी थी तो मुझे याद है कि बहुत लोग आते थे कि सरकारी नौकरी किसी तरह से इंदिरा जी से कह दीजिए, पिताजी से कह दीजिए, किसी तरह से हमारी लग जाए तो हमारा जीवन बन जाएगा। किस लिए कहते थे ये बात? क्योंकि नौकरी करने के बाद, 20-20 साल नौकरी करने के बाद पेंशन तो ठीक ढंग का मिलता था, उसकी सुरक्षा होती थी। आज जितनी भी ये पुलिस कर्मी है, जितने यहाँ तैनात है, क्या किसी को पुराना पेंशन नहीं मिल सकता? जब आप मांग उठाते हैं तो आपको कहा जाता है कि पैसे नहीं है इसके लिए। तो अगर इसके लिए पैसे नहीं है तो बताइए, इतने बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ करने के पैसे कहाँ से आए? जो हजारों करोड़ रुपए इनके माफ होते हैं वो पैसे कहाँ से आए? जो मोदी जी 2 हवाई जहाज अपने लिए विदेश में जाने के लिए खरीदते हैं, एक 8,000 करोड़ का, दूसरा 8,000 करोड़ का, 16,000 करोड़ के 2 हवाई जहाज सिर्फ अपने लिए खरीदते, उसके लिए पैसे हैं। 20,000 करोड़ रुपए के आपके पास
है खर्चने के लिए नए संसद को बनाने के लिए, जबकि पुराना सांसद संसद ठीक तरह से चल रहा है, उसका सुंदरीकरण करने के लिए आप 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसान की मांग, किसान का कर्ज माफ नहीं करेंगे, ओपीएस के लिए आपके पास पैसे नहीं है। तो आज की सच्चाई ये है, असलियत ये है, आपने देश को अनगिनत शहीद दिए, इस सरकार ने क्या किया, आपके लिए अग्निवीर ले आए। जब मैं किसानों के लिए लखीमपुर खीरी में आंदोलन कर रही थी, उस समय जब इन्होंने किसानों को कुचला था जीप के नीचे, तो हम उनके परिवार से मिलने के लिए जाना चाह रहे थे, हमें रोक दिया गया। तो हमने, रात का समय था, हम निकल गए अपनी गाड़ी से, हम चले गए कि हम किसी न किसी तरह हम पहुंचेंगे परिवारों के पास। पुलिस ने सब जगह वो नाकाबंदी की हुई थी, हमें ढूंढ रहे थे, हम ऐसे ही निकल गए गाड़ी में पीछे छुप के। 4 बजे रात को हम एकदम एक दूर एक गांव में थे, कुछ नहीं था वहां, बिजली नहीं थी, कुछ नहीं था, और हम इंतजार कर रहे थे कि हमारे कुछ साथी जाके देखे कि पुलिस कार खड़ी है, हम दूसरी तरफ से निकले। तो मैंने देखा कि कम से कम 30-40 बच्चे 3:30 बजे सुबह सड़क पे आ गए। तो मैंने अपने साथियों से पूछा, ये क्या हो रहा है? अरे, दौड़ लगाने आए हैं। मैंने कहा, दौड़ किस लिए अभी इस समय? कहते, नहीं, ये दौड़ लगाने आए हैं क्योंकि सेना में भर्ती कर होना चाहते हैं। तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि यूपी के गांव गांव में, हरियाणा के गांव गांव में, राजस्थान के गांव गांव में ये एक उम्मीद है नौजवानों में कि हम सेना में भर्ती होंगे, हमारा जीवन बनेगा, हमें अच्छी नौकरी मिलेगी और हम देश के लिए शहीद हो सकते हैं। और ये आशा, ये उम्मीद अपने दिल में रखते हैं कि हम देश की रक्षा करेंगे, हम देश की सुरक्षा करेंगे। बदले में क्या मिला? 4 साल की स्कीम कि आप सुबह ऐसी दौड़ लगा रहे हो, ट्रेनिंग कर रहे हो, हर तरह की मुश्किलों का सामना करके आप सेना में भर्ती होने की कोशिश करेंगे, और सेना में भर्ती होने के बाद 4 साल बाद आप घर वापस आ जाएंगे और आपको वो भी बेनिफिट्स नहीं मिलेंगी जो बाकी सेना में मिलती है। तो आजकल जब मुझे नौजवान मिलते हैं, मुझे कहते थे, हम तो इस बार तो हम भरेंगे ही नहीं एप्लीकेशन, हम भर्ती ही नहीं होना चाहते, क्या फायदा है दीदी। तो जहां जहां आप देखो, ये सरकार आपको दबाने की कोशिश करती है और आपके भविष्य को नकारती है, सिर्फ अपनी सत्ता, अपना भविष्य देखना चाहती है। आज बेरोजगारी इस देश में 45 सालों में सबसे ज्यादा बढ़ गई है। जैसे मैंने कहा, जहां जहां से रोजगार बनना था वो तो खत्म कर दिया आपने, जो छोटे कारोबार थे, छोटे बिजनेस, छोटी दुकानें, यहां से भी रोजगार बनते थे, क्या किया? नोटबंदी लाए, जीएसटी थोप दी, अब हर चीज पे जीएसटी, सब कुछ महंगा हो गया, दुकानदार अपनी कमाई नहीं कर पा रहा। तो जहां जहां से रोजगार बनने थे वो सारा खत्म कर डाला, ऊपर से महंगाई इतनी बढ़ा दी कि प्रदेश की सरकारें आपके लिए महंगाई राहत कैंप लगा रही हैं, आपके लिए प्रदेश की अशोक गहलोत जी की सरकार महंगाई राहत शिविर लगा रही है, क्योंकि महंगाई भाजपा की जो देश में जो सरकार है केंद्र में, उन्होंने इतनी बढ़ा दी है। मेरी बहनें बैठी हैं, आपको मालूम है जब कुछ पकाना पड़ता है या कोई त्योहार होता है, अभी दशहरा था, अब दिवाली आएगी, तो मन में क्या बात है कि किस तरह से मैं करूंगी। आप कुछ खरीदना चाहते हैं घर के लिए, धनतेरस आएगा, धनतेरस पे खरीदना चाहती हैं, तो आपके दिल में हमेशा ये बात होती होगी कि कैसे करूंगी, कमाई तो कम हो रही है, महंगाई इतनी बढ़ रही है, बच्चों को पढ़ाना है, उनको स्कूल भेजना है, उनकी फीस भरनी है, उनकी किताबें खरीदनी है, उनके कपड़े जूते खरीदने हैं, कोई बीमार पड़ जाता है उसका इलाज कराना है। यहाँ तो प्रदेश सरकार ने आपको इतनी मदद दी है, महंगाई राहत शिविर लगाए हैं, इलाज के लिए 25 लाख का बीमा है, 25 लाख का इलाज मुफ्त। जब मैं दूसरे प्रदेशों में जाती हूँ और ये बात कहती हूँ तो चौंक जाते हैं, वहां तो अगर कोई बीमार पड़ता है तो दिल में इतना टेंशन हो जाता है, इतनी घबराहट हो जाती है कि किस तरह से हम इसका इलाज भी कराएंगे। तो ये परिस्थितियां हैं आज की। तो
इन सबको आप अच्छी तरह से जब समझेंगे और आप जागरूक बनेंगे कि किस तरह की सरकार आप चाहते हैं, किस तरह के नेता चुनना चाहते हैं, क्या आप ऐसे नेता चाहते हैं जो सिर्फ अपना ही भविष्य देखते रहे, अपनी सत्ता में रहने का काम करते रहे और आपके बारे में सोचे ही नहीं, चुनाव आए तो धर्म की बातें शुरू। तो आपका काम है कि नहीं है, आपका दायित्व है, आपका धर्म होना चाहिए और आपका कर्तव्य है कि आप नेता को जवाबदेह बनाओ। और असलियत यह है बहनों और भाइयों कि जो धर्म की राजनीति चलाते हैं उनकी जवाबदेह खत्म हो गई है। वो समझ गए हैं कि चुनाव के समय धर्म की बात कर लो, जाति की बात कर लो, सबके जज्बात उससे जुड़े हुए हैं, सबको डरा लो, सबको कह दो कि हम धर्म की सुरक्षा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसे हो जाएगा और वोट मिल जाएंगे। ये समझ गए हैं कि काम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ धर्म का नाम लीजिए, जाति का नाम लीजिए, चुनाव के समय वोट बटोरते जाइए। लेकिन इस सिलसिले को बंद करना ये आपका कर्तव्य है। जब तक आप जागरूक नहीं बनेंगे, जब तक आप ये तय नहीं करेंगे कि जो नेता है वो काम की बात करे, वो काम करके दिखाए और उसी काम के अनुभव पर आपका वोट लगेगा, तब तक ये राजनीति चलती रहेगी। और देखिए, मैं कुछ दिनों पहले सिकराई गई थी, वहां पे मैंने एक बात की, इतना भड़क गए भाजपा वाले कि मुझ पे केस भी डाल दिया उन्होंने। और मैंने बात सुनिए क्या कही थी। मैंने ये कहा था कि मैंने टीवी पे देखा, पता नहीं सच है कि नहीं, क्योंकि टीवी पे ऐसी बातें भी होती हैं जो सच नहीं है आजकल, लेकिन मैंने टीवी पे देखा कि श्री देव नारायण जी के मंदिर में मोदी जी गए और उन्होंने एक कुछ बक्सा होता है ना मंदिर का, उसमें लिफाफा डाल दिया। हाँ, फिर उस लिफाफे को 6 महीने के लिए किसी ने खोला नहीं कि मोदी जी ने डाला है। 6 महीनों बाद वहां के जो मंदिर के जो पंडित हैं और सब लोग इकट्ठे हुए और टीवी वाले भी कैमरा लेके गए और उन्होंने वो बक्सा खोला तो उस लिफाफे में से क्या निकला? 21 रुपए निकले। तो सबकी उम्मीदें कहां थी और निकला क्या? देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े नेता और उन्होंने 21 रुपए का लिफाफा डाल दिया सबके सामने कि लिफाफा तो डल रहा है, उसके अंदर क्या है हमें नहीं मालूम। तो देखिए, मैं तो समझ गई कि ये मोदी जी का लिफाफा खाली है, ये बात चुभ रही है इनको, क्योंकि ये बात सच ही होगी। और ये बात इसलिए चुभ रही है क्योंकि जो काम ये करते हैं उससे यही दिख रहा है बार बार। वो कहते हैं महिलाओं के लिए आरक्षण, आरक्षण कब आएगा? 10 साल बाद। बिल पास हुई अभी, आरक्षण आएगा 10 साल बाद। इसका मतलब क्या है? मोदी जी का लिफाफा खाली है। हमने जाति जनगणना की बात की, इन्होंने ओबीसी वर्ग के लिए बोला कि हम आगे बढ़ाएंगे, हम खूब काम करेंगे एससी एसटी ओबीसी के लिए। फिर जब हमने जाति जनगणना की बात की, फिर से मुंह बंद, कुछ नहीं कहते। क्यों? क्योंकि मोदी जी का लिफाफा। ईआरपीसी का वादा किया, 10 साल निकल गए, बनाया उन्होंने नहीं बनाया ना, क्यों? क्योंकि मोदी जी का लिफाफा। देखिए, इनके सिर्फ खाली घोषणाएं हैं, खोखली घोषणाएं हैं, खाली लिफाफे हैं। जो भी घोषणा करते हैं उसको जमीन पे उतारते नहीं है। आज कांग्रेस की सारी सरकारें जितनी भी गारंटी दी हैं, जितनी घोषणाएं की हैं, आज जमीन पर उतार रही हैं। छत्तीसगढ़ को देखिए, राजस्थान को देखिए, हिमाचल प्रदेश को देखिए, कर्नाटका को देखिए। और मेरी बातों पे मत जाइए, ये नौजवान बच्चे बैठे हैं, मेरी बातों पे मत जाओ, इंटरनेट पे जाओ, देखो कि कौन से प्रदेशों में कौन सी गारंटी लागू हो रही है कि नहीं, और आपको खुद दिखेगा। आपका अपना अनुभव है, आप महंगाई शिविर कैंप में गए होंगे, आपको यहाँ की प्रदेश की सरकार ने जितनी भी सुविधाएं दी हैं आपको उसका अपना अनुभव होगा। तो आप मन बना लीजिए इस बार। कांग्रेस की बहुत सारी परियोजनाएं, इधर बड़ी लंबी लिस्ट है, स्वास्थ्य, भोजन, शिक्षा, सब चीज,
पूरे देश में राजस्थान आज स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला पहला राज्य है। स्वास्थ्य बीमा मैंने आपसे कहा 25 लाख रुपए तक है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1000 इंदिरा रसोई चल रही है जिसमें 8 रुपए में आपको भरपेट भोजन मिल रहा है। कहीं नहीं हो रहा है ये किसी प्रदेश में। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत 500 रुपए का आपको गैस सिलेंडर मिलता है। इन्होंने 1200 तक इसका दाम कर दिया था, बढ़ा दिया था। अब चुनाव आ रहा है उसको घटाने जा रहे हैं, वो भी अपने प्रदेशों में। तो आपको देखना चाहिए कि क्या हो रहा है आपके साथ। धोखा हो रहा है, खोखली बातें हो रही हैं। हमारी सरकार ने यहाँ 1 करोड़ से ऊपर उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य बनाया है। आपको बिजली बिल शून्य की मिलती है। यहाँ आज मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट लागू है। मिनिमम इनकम गारंटी का मतलब है कि जो भी नौकरी करता है, काम करता है, उसको इससे कम पैसे नहीं मिलने चाहिए, इसकी गारंटी है। 5 लाख गिग वर्कर्स को कानूनी सुरक्षा दी है। जैसे जो यहाँ से गांव से बड़े बड़े शहरों में जाते हैं काम करने के लिए, कोई उनकी सुरक्षा नहीं देखता, कोई ये नहीं देखता कि वो नौकरी कर रहा है उसको कितने पैसे मिल रहे हैं। तो इसलिए उनके लिए खास ये योजना बनाई गई। 12वीं तक शिक्षा निःशुल्क हो गई है आपके प्रदेश में। 309 नए कॉलेज बने हैं, 9 नई सरकारी यूनिवर्सिटियां खोली हैं, 2500 महात्मा गांधी राजकीय स्कूल खोले हैं, हर जिले में अस्पताल और नर्सिंग होम है। सरकारी नौकरियों में ठेका प्रथा खत्म कर दिया गया है। 21 लाख किसानों को 14,000 करोड़ का कर्ज माफ किया है। हमने ये नहीं कहा कि पैसे नहीं है इसके लिए। अन्नपूर्णा फूड पैकेट के माध्यम से आपको गेहूं, दाल, चीनी, तेल, नमक और मसाले सब कुछ मिलता है। केंद्र की कुनीतियों को कांग्रेस ने यहाँ पर आपके प्रदेश में रोकने की कोशिश की है, आपको मदद करने की कोशिश की है। आप इनकी वजह से जूझ रहे हैं और हम आपको मदद करने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा कांग्रेस का जो लिफाफा है वो आपके लिए राहत और सहायता और सुरक्षा की पूंजी से भरा हुआ है। तो मैं तो कहती हूँ इनका लाभ उठाइए, अपने भविष्य को मजबूत बनाइए। आपके सामने सब कुछ है। देखिए, मेरी दादी इंदिरा जी कहती थी कि सबसे ज्यादा विवेक पब्लिक में ही है। और जब कोई शक हो कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है, पब्लिक के पास जाओ। जनता बताएगी तुम्हें कि तुम्हें क्या करना है और कैसे करना है। तो इस देश की सबसे बड़ी मजबूती जनता ही है। अफसोस इस बात की है कि आप इस बात को समझ नहीं रहे हो। आप जब आपका ध्यान कहीं और आकर्षित हो रहा है, कहीं और भटकाया जा रहा है, आप भटक रहे हो। आप अपना ध्यान अर्जुन की आंख की तरह सटीक रखो। और कहां होना चाहिए ये ध्यान? अपने ऊपर, अपने बच्चों के भविष्य के ऊपर, अपनी खेती पे, अपने रोजगार पे। आपके लिए क्या हो रहा है, आपके लिए सरकार क्या कर रही है, किस तरह से यह सरकार आपको मजबूत बनाएगी, किस तरह से यह सरकार आपके बच्चों के भविष्य को बनाएगी, इस पर आपका ध्यान होना चाहिए और इससे हटना नहीं चाहिए। तो मैं एक ही चीज मांगने आई हूं, वोट मांगने नहीं आई हूं, मैं आपकी जागरूकता मांगने आई हूं। मैं ये मांगने आई हूं कि अब चुनाव का समय है, समझ लो ध्यान भटकाने वाला कौन है और काम करने वाला कौन है। आज जो भाजपा की परिस्थिति है आपके प्रदेश में, अपने लोगों को समेट नहीं पा रहे हैं, खुद एक नहीं हो पा रहे हैं। वो तो ये देख रहे कि उनके कौन से वरिष्ठ नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में डालें, खुद देख रहे हैं ना। तो आपसे वोट किस आधार पर मांग रहे हैं? मोदी जी तो आकर कहते हैं कि मुझे वोट दो। भाई मोदी जी थोड़ी बनने जा रहे हैं आपके मुख्यमंत्री, वो तो प्रधानमंत्री है। तो बात समझिए, बिखरी हुई पार्टी जो आपके भविष्य को ध्यान में नहीं रख रही है,
आपके पेंशन काट रही है, आपको रोजगार नहीं दे रही है, महंगाई बढ़ा रही है, और दूसरी तरफ एक पार्टी जिसके सारे नेता आपके लिए समर्पित है, नौजवान नेता सचिन पायलट, बुजुर्ग नेता जिनका जिनका अपार अनुभव है, जो दिन रात आपके लिए एक करते हैं, जिन्होंने देखा कि केंद्र की वजह से आप तड़प रहे हैं और एकदम आपके लिए ऐसी स्कीमें लाए जिससे आपकी सहायता हो सकती है, तो आपके सामने एक चुनौती है। आप अपने भविष्य को चुनोगे या फिर ऐसी राजनीति को चुनोगे जो आपको भटकाया जाए और बार बार धर्म की बात, जाति की बात कर करके आपको इसी खाई में रहने देगी। वही सत्ता में रहेंगे, वही फूलेंगे फलेंगे, उनके बच्चे तो कोई यहाँ पे स्कूल में नहीं जा रहे हैं, सब बाहर जाते हैं विदेश में, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं उनकी, बड़े बड़े महल हैं, वो तो फूल रहे हैं फल रहे हैं, तो आपका ध्यान कौन रखेगा? तो मैं सिर्फ इतना कहने आई हूं कि आप जागरूक बनो, सबको समझो अच्छी तरह से, वो अनुभव जिसमें इंदिरा जी की आस्था थी, वो विवेक जिसमें हम सबकी आस्था है, उस विवेक को जताओ और उसी विवेक के आधार पर, उसी अनुभव के आधार पर अपना वोट डालो। एक ऐसी सरकार चुनो जो आपके लिए काम करती रहे, और जब आप ध्यान से सोचेंगे और जब आप देखेंगे कि अलग अलग प्रदेशों में क्या हो रहा है, और आप देखेंगे कि भाजपा की नीतियां क्या है और कांग्रेस की नीतियां क्या है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूं आप सिर्फ अपना वोट कांग्रेस को दो, क्योंकि यही कांग्रेस पार्टी है जिसने आपके बच्चों की शहादत की आदर की है। मैं एक शहीद की बेटी हूं, एक शहीद की पोती हूं, मैं जानती हूं कि इसका मतलब क्या है, और मैं जानती हूं कि जितने भी परिवार हैं यहां झुंझुनू में जिन्होंने अपना बेटा या अपनी बेटी इस देश को दिए, जिनके बच्चे शहीद हुए हैं, मैं जानती हूं कि आप पे क्या गुजरता होगा। इसीलिए मैं कहती हूं कि एक ऐसी सरकार चुनो जो आपका आदर करे। जितनी श्रद्धा आपको नेताओं में है, आप नेताओं में रखते हैं, उतनी ही श्रद्धा नेता को आप में रखनी चाहिए, और अगर नेता भटक रहा है तो आपको सिखाना पड़ेगा। ये आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसको पूरी तरह से 25 तारीख को निभाइए। मेरी बातों को याद रखिए, भूलिए नहीं, बोर तो नहीं किया? अच्छा, बोर नहीं हुआ तो जोर से मेरे साथ बोलो एक बार, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा झुंझुनू के जिला अध्यक्ष दिनेश हुंडा जी आए और एक मोमेंटो आदरणीय प्रियंका गांधी जी को भेंट करें। दिनेश जी, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, ब्रजेंद्र सिंह आला, पदम श्री श्री राम जी आला, पदम श्री गांधी जी आला, जय।